दोस्तों नमस्कार, लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हरियाणा पीसीएस 2021 का जो आज ही पेपर हुआ उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, एमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेज व्हिच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेज बाय इंडियन गवर्नमेंट, पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सी महासा भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा या भाषाएं घोषित किया गया। तो दोस्तों इसका शॉर्टकट टीएस टेक मू है, ये सारी भाषाएं इसी के आर्डर में घोषित की गई। क्लासिकल तो आपका तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तो आपने देखा कि इसमें जो आपकी दी हुई हैं चार के चारों इसको शासकल क्लासिकल का दर्जा दिया जा चुका है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा तो पहले का आंसर हो जाएगा डी, यानी मलयालम भी है, कन्नड़ भी है, तेलुगु भी है और तमिल भी है। तो वन का आंसर डी हो जाएगा, किसी का कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज विरोधी कवि आर द रिबेल पोएट, निम्नलिखित में से किसे विरोधी कवि कहा जाता है। पहला ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, काजी नजरुल इस्लाम, सुमित्रानंदन पंत, मोहन राकेश। तो इसका सही जवाब होगा विरोधी कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। तो दो का आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज आर द फेमस अशोकन पिलर्स फाउंड, तो सांची, सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़, अमरावती। तो इसमें अमरावती आप काट दीजिए, यानी ये चौथा वाला ये अमरावती में नहीं है, बल्कि एक दो तीन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जहां पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, हु वर द चीफ पेंटर्स ऑफ हमजानामा अंडर अकबर्स आर्डर, यानी कि जो हमजानामा था उसको अकबर के आदेश के तहत यानी प्रमुख चित्रकार किसे नियुक्त किया गया था। तो इसमें दो चित्रकार नियुक्त किए गए थे, एक का नाम था मीर सैयद अली और दूसरे अब्दुल समद। तो इसका सैयद अली अब्दुल समद यानी सी आंसर हो जाएगा। अकबर के आदेश के तहत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो सैयद अली और अब्दुल समद यानी सी आंसर। सातवाहन के काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था, व्हिच लैंग्वेजेज वाज यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेज इन सातवाहन एज, तो सातवाहन काल में प्राकृत भाषा का प्रयोग ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता था। अगला, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटो हरप्पन कल्चर, निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हरप्पा संस्कृति नहीं है। पहला ऑप्शन आमरी कल्चर, दूसरी सोथी कल्चर, तीसरी कोट दिजी कल्चर और चौथा है झोप कल्चर। तो एक कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते थे कि आमरी, कोट दिजी, सोथी, ये सब आपके हरप्पा कल्चर के अंतर्गत यानी हैं, प्रोटो हरप्पन कल्चर हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, झोप कल्चर इसमें नहीं है। हु लेड द इंग्लिश कंपनी एम्बेसी टू एम्प्रेस फर्रुखसियर कोर्ट, तो ये फर्रुखसियर का काल आपको पता है कितना, तो ये आपका फर्रुखसियर के काल में 1713 से लेकर के 1719 तक का काल, ये फर्रुखसियर का काल है। इसके काल में जॉन सरवन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचता है। फर्रुखसियर की एक बीमारी होती है, तो अब एक्सप्लेन डिटेल में नहीं जाएंगे, एक्सप्लेनेशन में सीधे आंसर आपको यहां बताते चलते हैं। तो सात का आंसर यहां डी हो जाएगा, जॉन सरवन के नेतृत्व में आपका ये गया था, तो सात का आंसर डी हो जाएगा। आठ का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। इन शब्दों पे आप एग्जाम में जरूर ध्यान दीजिएगा। रमोसी विद्रोह चित्तौर सिंह 1822 में हुआ था, रमोसी विद्रोह जिसका नेतृत्व चित्तौर सिंह ने किया था 1800, बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा, ये गलत है क्योंकि सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया, तो ये गलत सुमेलित है बी वाला। रमोसी विद्रोह चित्तौर सिंह 1822 सही है। रंगपुर विद्रोह यानी द्रिजी नारायण 1883 भी सही है। अगला, कोल विद्रोह बुद्ध भगत 1831 ये भी सही है। अगला, अहरार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापक सदस्य में से एक थे, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी
की वकालत की, ये दो अलग अलग है, तो ये काट दीजिए, जहाँ जहाँ दो ये कट जाएगा। अब आपके बचे सी और डी में से कोई एक होगा। इसकी स्थापना कब, तो 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक यानी 1910-11 के आसपास हुई थी, तो ये वाला भी तीसरा भी सही है। उसके बाद आइए, इसने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थक राजनीति का समर्थन किया, तो अलीगढ़ आंदोलन, अब सोचिए अलीगढ़ आंदोलन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1-3-4, और किसी में 1-3-4, 1-3-4 ये भी दिया हुआ है, तो इसका तुम दोनों सेम ऑप्शन है, तो इसका आंसर यानी ये तो अंतर इसमें क्या बचा, तो 1-3-4 ए भी है, 1-3-4 भी है, शायद इसमें कुछ एरर हुआ है प्रिंटिंग में, तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला, सूफी संतों को काल क्रमानुसार लगाइए, तो सूफी संतों का काल क्रमानुसार लगाना है, और इसमें कौन दिए, अरेंज द क्रॉनिकल आर्डर ऑफ द सूफी सेंट्स, नसरुद्दीन चिराग ए दहलवी, उसके बाद दिया है शेख मुइनुद्दीन सिद्दीकी, बाबा फरीद, फिर निजामुद्दीन औलैया, ये आपका दिया गया है। तो 10 नंबर का आंसर सही क्या हो जाएगा, 10 का ये बी आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या दो आएगा, यानी बाबा फरीद, बाबा फरीद के बाद, बाबा फरीद के बाद कौन आएंगे, तो ये आपका बाबा फरीद के बाद तीन, सबसे पहले दो नंबर पे आपका कौन दिया है, दो नंबर पे शेख मुइनुद्दीन सिद्दीकी, और शेख मुइनुद्दीन सिद्दीकी के बाद आपका तीन नंबर यानी बाबा फरीद, और बाबा फरीद के बाद तीन नंबर के बाद ये आपका पहला दो नंबर के बाद तीन नंबर, तो शेख मुइनुद्दीन सिद्दीकी, उसके बाद बाबा फरीद, और बाबा फरीद के बाद चार नंबर निजामुद्दीन औलैया, और सबसे लास्ट में नसरुद्दीन चिरागे दहलवी ने को कहा जाता, तो इसका आंसर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का सही आंसर होगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। 11 नंबर पूछ रहा, हु एसेसिनेटेड स्टीवेंस द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ टिपेरा त्रिपुरा इन 1931। पहला ऑप्शन कल्पना दत्त सुहासिनी गांगुली, बी ऑप्शन है प्रीति लता वाडेकर एंड कल्पना दत्त, सी ऑप्शन है शांति एंड सुनीति चौधरी, डी ऑप्शन है बीना दास एंड बसंती देवी, तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या, तो 1931 के त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट स्टीवंस की हत्या किसने की थी, तो ये शांति तथा सुनीति चौधरी ने मिलकर उनका हत्या की थी। हुच डायनेस्टी रूल्ड इन द रीजन ऑफ मॉडर्न हरियाणा एट द टाइम ऑफ गजनवीद इन्वेशन, यानी गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का यानी राज था, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसमें ये परमार वंश का था या चौहान, तो ऐसे चौहान होना चाहिए, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में, ये हरियाणा स्पेशल का क्वेश्चन है, इसको बताइएगा। अगला, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में पूछा है, तो उसको देख लेते, हुच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द भक्ति सेंट नामदेव वर्शिप्ड विट्ठल एट पढ़नपुर, सही है ही वाज फ्रॉम गुजरात, दूसरा ही वाज ए सन ऑफ टेलर, ही रोट मेनी अभंग, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये गुजरात वाला इसमें आपका ये काट दीजिए, दो वाला जैसे काटोगे तो आपका ये कट जाएगा, तो बचेगा कौन, इसमें इसका आंसर सी हो जाएगा 1-3-4। आगे कंटिन्यू करते हैं, नीचे भारत के चार पुरातात्विक स्थल दिए गए, गिवन बिलो आर द लोकेशन ऑफ 4 आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया, अतिरपक्कम तमिलनाडु में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, पिकली हल संगनहल्लू कर्नाटक में है, बुर्जहोम ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये यस से शुरू करिए, इनका नॉर्थ से साउथ ये यहाँ जरूर देख लीजिए, आर्डर क्या पूछ रहा, नॉर्थ से साउथ आर्डर इसमें लगाने के लिए आया है, तो सब पहले जम्मू कश्मीर बुर्जहोम यानी यस आएगा, यस के बाद फिर आपका भीमबेटका क्यों आएगा, क्यों के बाद फिर आपका पिकली हल कर्नाटक वाला आर आएगा, और सबसे लास्ट में पी आएगा, तो इसका आर्डर सही होगा यस क्यों आर पी यानी डी सही आंसर हो जाएगा। 14 के बाद 15 पे सीधे पहुंचते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए टर्म दैट इमर्ज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इन कनेक्शन विद द एग्रेरियन सिस्टम व्हिच बेसिकली मीन्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच द रेवेन्यू ऑफ एन एरा वाज फार्म्ड आउट टू द हाइस्ट बिडर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबद्ध था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबद्ध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार वो अधिकतम बोली वाले को दिया जाता था, इस व्यवस्था को इजारेदारी व्यवस्था
इजारेदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यानी ये व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इजारेदारी व्यवस्था को लागू किया गया था, तो ये आंसर डी हो जाएगा। अगला, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है, विद रेफरेंस टू मुगल एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज कनेक्टेड टू द फीचर्स ऑफ मनसबदारी। मनसबदारी व्यवस्था में जात व सवार दो चीज़ें होती थी, तो इसका आंसर पहला आंसर हो जाएगा जात एंड सवार। अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ कॉलोनियल इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन 1790 लॉर्ड विलेसली इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल प्रोविंस, ये गलत है क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और वही पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आप इसको रीड कर लीजिएगा कि 1790 में लॉर्ड विलेसली ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, गलत है। इसने जमींदारों को अपनी जमींदारी में पूरी जमीन के मालिक के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। इसने भूमि स्वामित्व को वंशानुगत बनाया, जमींदारों को जमीन बेचने का अधिकार दिया गया। बाकी सब सही है, पहला वाला गलत है। विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडियन हिस्ट्री व्हाट डज पेट्री दुरा रेफर टू, इट वाज ए टाइप ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन प्रेवलेंट इन डेक्कन, ये गलत है। कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड इन डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल आर सैंडस्टोन क्रिएशन ब्यूटीफुल आर नेट पैटर्न्स, सी ऑप्शन ए वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड ड्यूरिंग मुगल वेडिंग रिचुअल्स, ए काइंड ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ ब्राट फ्रॉम ईरान टू मुगल कोर्ट। अब हिंदी वाला देख लीजिए, यह दक्कन में एक प्रचलित वस्त्र डिजाइन था, गलत। संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैट बनाए जाते थे, इसी को पेट्रादुरा के नाम से जाना जाता था, यही सही है। अगला, फिर आपका संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित निम्न मामलों को काल क्रमानुसार लगाना है, मिनरवा मिल्स 1980 है, गोलकनाथ 1967 है, इंदिरा गांधी और नारायण 1977 है, और केशवानंद भारती केस 1973 है। अब इसको आप लगाओगे तो इसका सही आंसर 19 का, अब आप लगा लीजिए तो 19 का आंसर बी हो जाएगा, यानी दो पहले आएगा, 2 4 3 1, दो दो का मतलब आपका ये गोलकनाथ, गोलकनाथ के बाद केशवानंद भारती 4, उसके बाद इंदिरा गांधी और लास्ट में मिनरवा मिल्स 1980 वाला आएगा। आसान क्वेश्चन था। वित्त विधेयक केवल निचले सदन लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता, ये पहला वाला गलत है क्योंकि आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के बारे में कहा गया, ये लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी पेश किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत है किंतु आर सत्य है, इसका आंसर दूसरा वाला सही है। निचला सदन लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, सही है। फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोअर हाउस लोकसभा, रीजन दिया गया लोअर हाउस लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपुल, ये सही है। अगला, द नोशन ऑफ अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सवरेंटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कॉन्टेंड इन ए फंडामेंटल ड्यूटी में, यह बात कही गई है, यानी भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को सुनिश्चित व संरक्षित करने का भाव मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी में है, तो 21 का आंसर सी हो जाएगा। 22 पे आते, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं, द टर्म्स लिबर्टी क्वालिटी फ्रेटर्निटी यूज्ड इन प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच रिवॉल्यूशन, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री एज गिवन बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये क्या लिखा गया, आर्टिकल अनुच्छेद 1 आप रीड करेंगे तो लिखा है इंडिया दैट इज भारत इज द स्टेट्स ऑफ यूनियन, यानी भारत राज्यों का संघ होगा जो भारत के नाम से जाना जाता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला, 24, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशनड द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के समर्थन का उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है और 51 DPSP का पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला, अंडर व्हिच आर्टिकल कैन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर वायलेशन ऑफ एनी हिज हर फंडामेंटल राइट्स, किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु सर्वोच्च न्यायालय सीधे जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला ये दिया हुआ मैच लिस्ट 1
को लिस्ट टू से मैच करवाना है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आपका दो का क्या हो जाएगा, यानी टेंथ शेड्यूल में है दल बदल कानून, उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ये आठवीं शेड्यूल में है तो इसका आठवीं हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये इसका पहला हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है कहाँ गया, ये फिफ्थ शेड्यूल, और इसका शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये आपका स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल में जाएगा। और उसके बाद इसमें शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये आपका फिफ्थ शेड्यूल हो जाएगा। अब इसका जब आप लगाएंगे तो सही आंसर 26 का क्या आएगा, तो 26 का सही आंसर सी आएगा, 26 का सही आंसर ये सी आएगा, आप इसको लगा के देख लीजिएगा। अगला दिया, निम्न में से भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के दर्जे को प्रदत्त करने का काल क्रमानुसार क्या है, तो नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टू वोट इज ए लीगल राइट, बिल्कुल बात सही है, नॉट ए फंडामेंटल राइट, 44वें संविधान संशोधन से इसे फंडामेंटल राइट से तो आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात लीगल राइट है, नॉट फंडामेंटल राइट, तो पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ये भी बिल्कुल बात सही है। तीसरा आर्टिकल, ये आपका 44वें संविधान संशोधन से इसमें परिवर्तन किया गया है, जो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ये इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 300A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सही है। और तीसरा चौथा स्टेटमेंट कह रहा आर्टिकल 301 पर्टेंस टू राइट टू प्रॉपर्टी, ये गलत है क्योंकि इसका संबंध व्यापार समागम इत्यादि से है, तो ये चार को काटिए, एक कटा एक कटा एक कटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, B वाला। आगे आइए, अगला क्वेश्चन 29 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेड बाय द जवाहरलाल नेहरू, यानी उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, सही है। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेड बाय भीमराव अम्बेडकर, ये बी वाला गलत है क्योंकि भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समेत के तो थे लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने नहीं रखा। इससे मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ये भी सही है। निम्न में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशनड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हो जाएगा, विद द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका सही जवाब होगा 30 का आंसर सी होगा। आगे, भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों का प्रथम बैच शामिल किया गया, इन व्हिच स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैज द फर्स्ट बैच ऑफ राफेल फाइटर जस्ट टू बी इंडक्टेड, तो इसका स्क्वाड्रन 17, ये ए ऑप्शन सही होगा, स्क्वाड्रन 17, 17 और गोल्डन एराज, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ये मैच करवा रहा है तो मैच करवाने में बिल्कुल सही, SCO आपका ट्रेड पॉलिटिक्स एंड कल्चर 1 का ए हो जाएगा। और उसके बाद आपका क्वाड में आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेटजिक फोरम हो जाएगा, यानी 2 का D, और 2 का D के वाली बी वाले ऑप्शन में है, तो इसका आंसर 2 का D, 1 का A और 2 का D, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही चला जाएगा, तो इसका आंसर होगा पहला वाला। आसियान ये भी मिला लीजिए, 3 का B हो जाएगा, और 4 का आपका सी हो जाएगा, ये म्यूचुअल एश्योरेंस है, डिस्ट्रक्शन है यानी न्यूक्लियर वेपन से संबंधित है, तो ये आपका पहला आंसर, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस द्वारा फैली महामारी के नाम की एक आधिकारिक घोषणा की, इसे कोविड-19 विषाणु नाम दिया गया, इसका उद्देश्य लोगों को बताना था न कि आधिकारिक नाम को बदलना, निम्नलिखित में से कौन सी सही आधिकारिक नाम है, तो इसे SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला, विद रेफरेंस टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन इन मार्च 2011 ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI जिसे कहा जाता, उसके बारे में पूछ रहा है, पहला ऑप्शन OCI कैन परचेज एग्रीकल्चरल लैंड, ये बिल्कुल गलत है, और एक को काटिए एक कटा। आगे देखते हैं, OCI कैन परस्यू द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, OCI नीड्स स्पेशल परमिट टू विजिट एनी एरिया इन इंडिया नोटिफाइड एज प्रोटेक्टेड रिस्ट्रिक्टेड आर प्रोहिबिटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट आर कंपेट
कंपटेंट अथॉरिटी, बिल्कुल बात सही है। OCI कैन अंडरटेक एनी रिसर्च, नहीं अंडरटेक रिसर्च करने की उनको अनुमति नहीं है। तो चार को भी काट दीजिए और पहला भी कट जाएगा तो बचेगा कौन, दो और तीन। इसका सही आंसर होगा दो और तीन। आगे आइए, विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गाइडलाइंस आर फॉर द OTP यानी ओवर द टॉप परमिट्स ओनली। ये ओनली शब्द लगाए, इसके अलावा भी अन्य जो हैं उसके लिए भी हैं, फेसबुक इत्यादि के लिए। तो ये को काटिए, ये कटा। और उसके बाद आइए दो, इट हैज़ द कोड एथिक्स एंड प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड फॉर द इंटरमीडियरी एज डिफाइंड इन द गाइडलाइंस, बिल्कुल बात सही है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल फार्मुलेट एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म, ये भी सही है। द रूल्स रिक्वायर्ड इंटरमीडियरीज टू सेटअप ए ग्रेवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म, ये भी सही है। तो इसका आंसर दो तीन चार होगा, पहला वाला गलत है, बाकी सही है। हिंदी में आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे है, कंसिडर द स्टेटमेंट इंडिया वांट्स चाबहार पोर्ट टू बी इंक्लूडेड इन द 13 नेशंस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट एक्सटेंड फ्रॉम इंडिया टू रसिया। अब INSTC का पूछ रहा मेंबर कौन है, इसमें चाइना नहीं है, मंगोलिया नहीं है, यानी इराक नहीं है। इसका सही आंसर केवल ईरान होगा, ओनली वन, पहला आंसर इसमें सही इसका होगा। अगला, विच कंट्री हैज़ द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड। निम्न में से किस देश ने द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड को कंपलसरी किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सही आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा 37 का भी। अगला, अटल टनल नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बिटवीन मनाली एंड ले इज बिल्ट ऑन व्हिच रेंज ऑफ हिमालय। तो ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में है। आप पिछले ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका, किसी पेपर में हमने भी डिस्कस की इसको, पिछले पेपर में किया कि ये पूर्वी पीर पंजाल रेंज में स्थित है, क्वेश्चन आ चुका है। एमपीपीसीएस में सेम क्वेश्चन पूछा था MPPCS में। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन का डिस्कशन सारे देखते हैं उनका कहीं ना कहीं नॉलेज काम आता है। अगला, त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाली फेनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा सेतु बनाया गया। यह पुल त्रिपुरा में सबरूम से बांग्लादेश के रामगढ़ को ये कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद 40 पे आते हैं, 40 क्वेश्चन कह रहा, बजरंग पुनिया हैज रिटेन्ड द वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग इन द 65 kg कैटेगरी इन मार्च 2011 आफ्टर विनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैटू पेलकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट इन रोम, जो रोम में हुई थी, मटेउ पेलकोने रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट, उसको जीता था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 41 नंबर पे आइए, 41 नंबर में यानी ये पेड़ दिए हैं उसको मिलाना है। तो इसमें वैक्सीन मैत्री पूछ रहा है, इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी दैट सप्लाइड ए मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन टू अदर कंट्री, बिल्कुल बात सही है। अगला आपका पूछ रहा है कि कवच टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्रंट लाइन वर्कर्स, ये आपका ए दिया है कवच, ये भी आपका सही है। मिशन कोविड सुरक्षा टू एक्सीलरेट डेवलपमेंट ऑफ कोविड वैक्सीन, ये आपका दिया है। तो दो तीन तो बिल्कुल सही है, चौथा देख लेते हैं, दो तीन वाला ऑप्शन क्या है इसमें कोई, दो तीन बिल्कुल सही। तो ये वाला कट गया, दो तीन ये हो सकता, दो तीन ये कट गया, तो एक दो तीन ये वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला, क्योंकि दो तीन तो बिल्कुल सही हैं। अब उस हिसाब से ऑप्शन केवल एक बचता, एक दो तीन ही। अगला, निम्नलिखित में से किस जांच के लिए नाक व गले का सैंपल नहीं चाहिए और यह जांच भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रूनेट टेस्ट के लिए आपका ये नहीं चाहिए। तो ये आपका ट्रूनेट टेस्ट आपका ये डेवलप किया गया, इसमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। अगला आइए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द अप्रोप्रिएट आंसर, ये आपका पुरस्कार दिया गया बहुत आसान, जिनको ये लुइस ग्लुक भी पता होता है कि लिटरेचर में दिया गया। तो चार का ए और चार का ए केवल एक ऑप्शन है, वो केवल पहला वाला है। तो इसका सही आंसर पहला वाला हो जाएगा। कुछ आपको बाकी का नहीं पता था तब भी आपका सही आप कर लेते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गेबोर सीजो प्राइज द सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स USA अवार्ड्स
दिस प्राइज सही है, द प्राइज इज अवार्डेड एवरी ईयर नहीं, ये प्रत्येक दो सालों में एक बार दिया जाता तो ये इसलिए गलत है। दिस अवार्ड टू एन अर्ली करियर रिसर्चर इन द एरिया ऑफ ऑर्थोगोनल पॉलीनोमियल्स एंड स्पेशियल फंक्शन के लिए दिया गया इन द ईयर 2021 एंड इंडियन वाज अवार्डेड दिस प्राइज। यस, इसमें एक भारतीय मैथमेटिशियन है उनको ये दिया गया है, अतुल दीक्षित को दिया गया। तो ये आपका ये यहाँ पर दो वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये दो सालों में एक बार दिया जाता ना कि प्रत्येक वर्ष। तो दो वाला काटो, ये गया, एक गया, एक और तीन चार, इसका सही आंसर आ जाएगा पहला वाला। अगला 45 नंबर, जस्टिस मदान बी लोकुर कमेटी वाज सेट अप टू टेक स्टेप टू, ये किसके लिए इसका गठन किया गया, तो ये पराली जलाने से रोकने के लिए इसका गठन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंट स्टबल बर्निंग। अगला क्वेश्चन आपका जस्टी वाला पूछ रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी इज अप्लीकेबल ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स आर ऑन सेल ऑफ गुड्स आर ए प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यस, जीएसटी इज अप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज, जीएसटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। तो तीन तो पक्का आएगा क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो ये वाला काट दीजिए, और तीन के बाद पहला भी आएगा तो ये वाला भी कट गया, ये भी कट गया, तो एक तीन चार इसका सही आंसर हो जाएगा, एक तीन चार। एक तीन ये सप्लाई पे नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा, सप्लाई पर नहीं लगेगा, तो दो को आप काट दीजिए, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और आपका आंसर क्या बचेगा, यानी ये एक तीन चार। तो ये आपका जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है इसकी टैक्स रेट। अगला 47 नंबर पूछ रहा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बजट हैड अनाउंस द पीएम कुसुम स्कीम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द पीएम कुसुम स्कीम। पहला, रिमूवल ऑफ फार्मर डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन एंड लिंकिंग पंप सेट टू सोलर एनर्जी, यही सोलर एनर्जी के लिए ही नवीकरणीय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे पीएम कुसुम योजना को शुरू किया गया है, जिसमें सोलर पंप्स को वितरित किया जाता, तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट आप अपने आप रीड कर लेना। अगला, ये प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एंड रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इट्स प्रपोर्शन, इसी को कैश रिजर्व रेशियो CRR के नाम से जाना जाता है, जो कमर्शियल बैंक को नगद के रूप में अपने पास रखना होता है, कैश के रूप में, रिजर्व के रूप में टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा रखना होता है, तो इसको कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा। 49 पूछ रहा, ए कंट्री इज सेड टू बी डेब्ट ट्रैप इफ इट हैज़ टू अवॉइड बाय कंडीशनलिटी इम्पोज बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पहला वाला नहीं, ये आपका IMF के द्वारा एक कंडीशन नहीं लगाया जाता। ऋण जाल में फंसा हुआ कोई देश कम माना जाएगा जब इसे बकाया ऋण पर ब्याज चुकाने के लिए भी, यानी जो कर्ज ए ने लिया है, इस ए के द्वारा कर्ज, मान लो ये बी देश इससे लिया है, तो इस कर्ज का जो ब्याज है, ब्याज चुकाने के लिए भी ए को किसी सी देश से कर्ज लेना पड़े, तो इसी को डेब्ट ट्रैप कहा जाता है। तो ये बिल्कुल बी वाला इसमें सही है कि इसे बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए उधार लेना होता है। अगला, इन द रैयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा रैयतवारी, रैयत जो मद्रास और बॉम्बे में से मुन्रो उनके से सेल्फिस्टन के द्वारा लागू किया गया था, इसमें किसान ब्रिटिश और औपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व सीधे देते थे, तो इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन रैयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन फार्मर्स डायरेक्टली पेड लैंड टैक्सेज टू ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो ये 50 क्वेश्चन का डिस्कशन अभी, इसी के बाद एक दूसरा वीडियो पार्ट टू आएगा, उसमें 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको मिलने वाला है। तब तक के लिए आप इस आंसर की को मिलाइए और अपने क्वेश्चन आप इसमें देखिए कितने सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।